मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भले ही जनता के बीच कह रहे हों कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन उन्हें हार का दर्द अब तक महसूस हो रहा है। शिवराज इसे छिपाने में जुटे हैं, लेकिन आज जनता के सामने उनकी जुबान से ये दर्द छलक ही आया। उन्होंने जनता से ऐसा सवाल पूछ डाला जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। मध्य प्रदेश में 13 साल तक राज करने वाले शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में अपनी कुर्सी बचाने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन इस बार शिव के राज में कांग्रेस ने ऐसी सेंध मारी की कि उनका सिंहासन डोल गया। अब जब कुर्सी जाएगी तो दर्द तो होगा ही। यही दर्द आज जनता के सामने भी छलक आया, जहां शिवराज ने जनता से ही पूछ डाला कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई थी। दरअसल शिवराज काला पीपल में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक गीत की पंक्तियां गुनगुनाते हुए लोगों से पूछ ही लिया कि हमसे क्या भूल हुई कि ये सजा हमको मिली। उन्होंने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काला पीपल में नर्मदा मैया का पानी लाने की योजना बनाई और फिर उसे क्रियान्वित करने की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन फिर हमारा साथ क्यों नहीं दिया। शिवराज के इस सवाल पर पहले तो जनता दंग रह गई, मगर बाद में सभी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन आखिरी मौके पर कांग्रेस रेस में आगे निकल गई और सूबे में बीजेपी का राज खत्म हो गया। 230 सीटों में से बीजेपी को 109 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 114 सीटें हासिल की। हालांकि वो बहुमत से दो कदम दूर रह गई, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने सपा बसपा और निर्दलियों के सहारे सत्ता पर पंजा मार दिया। इसी हार का दर्द शिवराज को रह रहकर सता रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।